ASI NET क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSI NET प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। चलिए बात करता हूँ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। ये तो होगा कि पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, दैट इज व्हाट द पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसे कि कोई भी एक अमीनो एसिड होता है, इसका होता है COOH, यहाँ पे H होता है, ये क्या होता है, दैट इज द R ग्रुप, ये NH2। नाउ NH2CHRCO। सो इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा मैं कह सकते हैं, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूं, इलाबोरेट करूंगा तो ये इस तरीके के फॉर्म में होता है COOH, और यहां पे जो होता है एक H इस तरीके से होता है, एक H इस तरीके से होता है। ये जो OH होता है, ये OH इसके फॉर्म में निकल जाता है वाटर के फॉर्म में, ये निकलता है यहीं पे जिसकी बात कर रहे थे आप, वाटर के फॉर्म में ये निकल जाता है और इसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है C, ठीक है, ये आपका CH, CO, NH, CH, COO minus R, और यहां पे NH2 और ये R। सो दिस पर्टिकुलर टर्मिनल इज नोन एज N टर्मिनल। इस टर्मिनल को बोलते हैं N टर्मिनल, और इस टर्मिनल को बोला जाता है C टर्मिनल। कोई भी पेप्टाइड जो सिंथेसाइज होता है, वो सिंथेसाइज क्या होता है, ये अर्ली सिंथेसाइज होता है, ठीक है, अर्ली इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सबसे पहले ये होता है, फर्स्ट ये सिंथेसाइज होगा और ये लेट होता है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आते हैं, लेट इन ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? डिफॉल्ट सर्कुलर क्यों? क्योंकि मैं मॉलिकुलर वेट करके कैलकुलेट करके बता दिया हूं, ठीक है, वो एज अ लिया जाता है। आपको क्यों क्वेश्चन करवाया हूं, ताकि आप समझ पाओ कि सर्कुलर क्यों लेते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम उसी को लेकर चलते हैं एज इट इज सर्कुलर पेप्टाइड। ये माना जाता है कि पूरा का पूरा सबसे मिनिमम मॉलिकुलर वेट, 18 भी निकाल देंगे तो मिनिमम इतना आ सकता है, वो माना जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द मिनिमम मॉलिकुलर वेट, इसके सर्कुलर के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्कुलर की तरफ जाएगा। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, phi psi वैल्यू से रिलेटेड होता है, दैट इज व्हाट CO NH, COOH, C, ये क्या होता है, ये होता है सी अल्फा, ये होता है सी अल्फा, ठीक है। नाउ ये जो बॉन्ड होता है, इस तरीके का जो बॉन्ड होता है, ये पर्टिकुलर पार्ट यहां पे रोल प्ले जो होता है, दैट इज व्हाट, कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, ये यहां पे मूव करता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है, इसके थ्रू जो रोटेशन पॉसिबल होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा के पास दो रोटेशन पॉसिबल होता है, जिसको बोलते हैं 0 और 180 डिग्री। 0 डिग्री को ही बोला जाता है सिस कॉन्फर्मेशन, और 180 डिग्री को ही बोला जाता है ट्रांस कॉन्फर्मेशन, सिस और ट्रांस कॉन्फर्मेशन। एन सी अल्फा, ये जो एंगल होता है, इसके थ्रू जो रोटेशन पॉसिबल होता है, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है? फाई, एन सी अल्फा फाई। सी सी अल्फा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, सी सी अल्फा, दैट इज द साई। इसको क्या बोला जाता है? साई बोला जाता है। फाई एंड साई, इनके थ्रू जो रोटेशन पॉसिबल होता है, वो माइनस 180 से लेके प्लस 180 तक पॉसिबल होता है, दैट इज टोटल 360 डिग्री। यही फाई और साई एंगल जो यूज होता है रामाचंद्र प्लॉट में, यूज किया जाता है, रामाचंद्र प्लॉट इसी से ड्रॉ होता है। फाई और साई एंगल जो होता है डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं, और किस चेन में पाए जाते हैं, ये मेन चेन में पाए जाते हैं, मेन चेन के डाइहेड्रल एंगल्स होते हैं, मेन चेन डाइहेड्रल एंगल्स। इज इट क्लियर? तो ये आपके इस पर्टिकुलर पार्ट में रोल प्ले करता है, डाइहेड्रल एंगल फाई और साई के बारे में। फाई और साई को लेकर ही रामाचंद्रन ने एक प्लॉट ड्रॉ किया था, जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि वो अल्फा हेलिक्स बीटा शीट क्या होगा, किस तरीके का फॉर्म होगा, ये डिस्कस किया जाता है। सो नाउ यहां पे एक पार्ट प्ले करने की कोशिश करूंगा कि जीरो, ठीक है, यहां पे जीरो अगर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, अगर COOH इसके साथ जो प्रोलीन जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड से शायद इधर प्रोलीन जुड़े और
और CO इधर प्रोलीन जुड़े और ये NH हो। अगर डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड के साथ प्रोलीन जुड़ता है तो इसमें सिस और ट्रांस का रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 1:4 का। लेकिन नॉर्मली ये जो रेशियो होता है सिस और ट्रांस का वो होता है 1:1000 जो कि मोस्ट फेवरेबल होता है। अब सिस और ट्रांस क्या है यही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए देखिएगा। ये जो CONH की बात कर रहा हूं, अगर CO और NH ये दोनों एक साइड में है तो इसको बोलते हैं सिस। अगर ये रहा CO और NH तो ये होता है ट्रांस। इज इट क्लियर? अगर H जो है वो H और O सेम साइड में है तो सिस होगा, अगर अपोजिट साइड में है तो वो ट्रांस होगा। सो होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात। प्लॉट के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं कि रामाचंद्र प्लॉट ने क्या बताया था। देख लेते हैं कि क्या बताया था रामाचंद्रन जी ने। तो यहाँ पे कोई क्वेरीज है किसी के पास तो अपनी क्वेरीज को आप लोग पुट करते रहिएगा। मैं रामाचंद्र प्लॉट डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, रामाचंद्र प्लॉट डिस्कस करके यहाँ पे सेशन को फिनिश करूंगा। ठीक है, सो रामाचंद्र प्लॉट ने अलग अलग अमीनो एसिड के लिए, मैंने दो अमीनो एसिड यहाँ पे बताए थे आप लोगों को, दो अमीनो एसिड डिस्कस किए थे। अगर वो दो अमीनो एसिड के बारे में बात बताऊं तो एक था एल अमीनो एसिड और एक था डी अमीनो एसिड। बताया था एल अमीनो एसिड और डी अमीनो एसिड के लिए प्लॉट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, प्लॉट जो होता है वो अलग अलग होता है। एल अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे सबसे कुछ इस तरीके का एरिया पाया जाता है, फिर यहाँ पे कुछ एरिया होते हैं, कुछ एरिया यहाँ पे होता है। यस फाइन, रामाचंद्र प्लॉट में एल टाइप अमीनो एसिड के लिए सबसे ऊपर जो पार्ट होता है, ये एल टाइप अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल बीटा सीट। क्या होता है यहाँ पे? एंटी पैरेलल बीटा सीट होता है। नीचे जो होता है वो होता है पैरेलल बीटा सीट। इस कोऑर्डिनेट में देखिएगा, इस कोऑर्डिनेट में जो बोला जाता है इसको बोलते हैं लोअर पार्ट। ये क्या है? ये होता है लोअर, ये लोअर है, लोअर लोअर। ये क्या है? ये अपर अपर है। और ये होता है लोअर राइट, ये होता है लोअर लेफ्ट, ये होता है अपर लेफ्ट अपर राइट। इसमें जो ये पैरेलल बीटा सीट यहां पे होता है, ये होता है राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। नाउ यहां पे होता है सॉरी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, यहां पे आपके ट्रिपल कोलिजन हेलिक्स भी आता है। ट्रिपल हेलिक्स की बात करते हैं, कोलिजन हेलिक्स जिसको बोलते हैं वो भी यहीं पे आता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कि ये आपके पार्ट होते हैं किसमें? एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड के लिए। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज फॉर द एल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन फॉर डी टाइप ऑफ अमीनो एसिड ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है डी टाइप अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यहां देखने की कोशिश करिएगा कि डी टाइप अमीनो एसिड के लिए डायगनली चेंज होगा। कैसा चेंज होगा? डायगनल इंटरचेंज कर दीजिए, सिंपल। What is that? That is simple diagonal interchange. क्या करना है? Diagonal interchange कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। Diagonal interchange, diagonal interchange करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। ये जो आएगा ऊपर, अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर जो आएगा वो parallel आएगा और उसके नीचे जो आएगा वो एंटी पैरेलल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर था एंटी पैरेलल तो यहाँ पे नीचे आएगा। ये सेक्शन कौन सा है? लोअर, ये सेक्शन है लोअर राइट का, और ये क्या है? लोअर लेफ्ट का। जहां पे अब क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ये आ जाएगा, और यहां पे जो आ जाएगा वो राइट हैंडेड शिफ्ट हो जाएगा। सो ये राइट हैंडेड आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? राइट हैंडेड हेलिक्स आपका रामाचंद्र प्लॉट के बारे में डिस्कस कर दिया, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड रामाचंद्र प्लॉट। इसके आगे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखते हुए कल जो देखेंगे, इसके आगे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए वो देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में, और वो सारी प्रोसेस जो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है वो सारी चीजें कंप्लीट करके हम फिनिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो अच्छी बात है। और 11018 ये क्या है? 11018 है। जब 11018 है इसमें से क्या है? इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में क्या है? ये है N जो है N, और ये जो है N N दोनों पेप्टाइड बॉन्ड था, इसमें N माइनस वन था।
ठीक है। तो इसमें अगर एन माइनस वन जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, उस पेप्टाइड बॉन्ड का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो वही माइनस 18 है जो कि आप यहां पे देख रहे हो। देखिए 11 0 18 है, ये 18 एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि यहां पे प्लस वन हो रहा है। एक प्लस वन करेंगे एन माइनस वन में, एक प्लस वन कर देंगे तो वो एन ही आएगा। तो ये प्लस वन क्या है, ये 18 है जो कि एक मॉलिक्यूलर वेट है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट इज व्हाट पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यही आपका पार्ट है कि 18 आप क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो इसमें 18 माइनस कर देंगे तो ये आपका सर्कुलर आ जाएगा। तो सर्कुलर आइडेंटिफाई करना है तो लीनियर में से 18 माइनस कर दीजिए, दैट इज द फॉर्मूला। ये आपको किसी बुक का फॉर्मूला नहीं है, बस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो इस तरीके से होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।